Hey guys, welcome to my channel 90s Kid Evan. कैसे हैं आप सब? So guys, कौन कहता है कि giveaway सच नहीं होते? तो जो live example है, ये आप देख सकते हो, मेरे सामने पड़ा है Insta 360 Ace Pro. तो आज का जो vlog है, इसी के unboxing के बारे में रहने वाला है. लेकिन इसके पहले एक छोटा सा story आपसे share कर देता हूँ. मैंने recreate किया है. तो एक दिन ऐसे अचानक मैं सो रहा था, सुबह को जनरली जैसे सोता हूँ, सो रहा था, उठा हल्का सा, तो मैं मेरे को मन किया कि मैं एक बार देखूँ, अपना फोन निकाल के रील्स देखना शुरू कर दिया. जैसे इंस्टाग्राम मैंने ओपन किया, मेरे फीड पे आया आसिक असीम का रील. एक कंटेंट क्रिएटर है, बहुत टाइम से मैं फॉलो करता हूँ, ट्रैवल करते हैं. तो मेरे रील आया, गिव अवे कॉन्टेस्ट था, तो मैंने ध्यान से देखा कि क्या है, बेसिकली क्राइटेरिया क्या है. तो क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा सिंपल था. दिस ब्यूटीफुल विजुअल्स ऑन दिस टाइनी पावरफुल कैमरा. And it's time for a giveaway. Follow three simple rules and this brand new box could be yours. Rule number one, follow Insta 360 India and my page. Rule number two, mention your three friends in the comments. Rule number three, reshare this video to your story. That's all you have to do. I'll announce the winner in next 2 weeks. तो मैंने सारा कुछ कर दिया, क्या भूल सा गया. क्योंकि क्या होता है ना, आप इस तरह गिव अवे पे पार्टिसिपेट करते हो लेकिन फिर भूल जाते हो कि यार क्या पता जीतूं कि ना जीतूं. तो विनर का अनाउंसमेंट था 12th अप्रैल में. अगले दिन 13th अप्रैल में मुझे रियलाइज होता है कि एक बार मैं चेक करूं क्या हुआ था एग्जैक्टली. कल मैं रात को लौट आया था, सुबह देख रहा हूं, अरे यार मुझे मैसेज आया है कि मैं जीता हूं Insta 360 Ace Pro. यार मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था. फिर भी मेरे को डाउट हुआ, तो मैं डाउट चेक करने के लिए एक बार पूरा अच्छे से चेक किया. पूरा ऑफिशियली स्टेटेड क्या हुआ था कि 90s के डमन इज द विनर ऑफ Insta 360 Ace Pro. तो यार मैं तो मजा ही आ गया. मैंने उनको रिवर्ट किया, मतलब आसिक असीम सर को मैंने मैसेज बैक किया. उन्होंने बोला कि आपको प्रूफ के लिए सेंड करना पड़ेगा जो आपने स्टोरी शेयर किया था. जैसे मैं आपको बताया, स्टोरी शेयर करके सेव करके रखना पड़ेगा, तभी आप प्रूफ एज अ प्रूफ आप दिखा सकते हो. एंड चलो अब Insta 360 को अनबॉक्स करके दिखाते हैं. So basically, हमें बॉक्स के साथ मिलने वाला है Insta 360 Ace Pro, जैसे देखिए देख सकते हो आप. एंड उसका एक बैटरी मिल जाएगा, बैटरी 1650 mAh का मिलने वाला है. एंड साथ ही साथ दो स्टिकर्स मिल जाने वाला है, क्विक स्टार्ट गाइड एंड वारंटी कार्ड. एंड इसके साथ मिल जाता है फ्लेक्सिबल एडेसिव माउंट, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल दिया है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डबल साइड टेप का फैसिलिटी दिया गया है. एंड ये है Insta 360 का स्टैंडर्ड माउंट, इसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है. बेसिकली इसे अगर हम रिमूव करते हैं तो ये यहाँ पे मैग्नेट की तरह रहता है. ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है मैग्नेट की तरह, तो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, देख लो. एंड एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि C2C रहने वाला है. सो Insta 360 के लिए आपको एक मेमोरी कार्ड भी चाहिए होगा, तो जैसे मैंने परचेज कर लिया है. ये बेसिकली 256 GB का
एंड इसका जो रीड स्पीड है 190 Mbps रहने वाला है एंड जिसको राइट स्पीड है 130 Mbps रहने वाला है। तो ये बहुत ही सही कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो 4K UHD ड्रोन एंड एक्शन कैमरा तीनों पे एप्लीकेबल है। एंड इसका जो प्राइसिंग रहता है वो रहता है 2000 रुपीज ऑनलाइन वगैरह में, जैसे ऑफलाइन अगर लेते हो तो आप बार्गेन करके 1900 को भी ले सकते हो। इसे अनबॉक्स करने के लिए चाहिए हमें सीजर, सीजर से इजीली आपको यहाँ पे कट कर देना है। एंड इसे इस तरह से रिवील करने से मेमोरी कार्ड अपना निकल गया है, कुछ इस तरह का मेमोरी कार्ड है। तो मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने के लिए हमें ऐसे इजेक्ट करना है एंड यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट दोनों बना हुआ है। फर्स्ट टाइम इसे पावर अप करते हैं तो इधर पे आप क्लिक करते साथ ही एंड इंग्लिश का ऑप्शन आ चुका है, इंग्लिश पे सिलेक्ट करके कनेक्ट टू ऐप का ऑप्शन भी आ चुका है, कनेक्ट टू Insta360 ऐप कंट्रोल कैमरा। तो इसमें जैसे हम कंफर्म करते हैं सो अब हमारा Insta360 रेडी है। इसमें स्विच मोड मैं बात करने वाला हूँ आपको Insta360 का सारा फीचर्स लाइन बाय लाइन दिखाने वाला हूँ। गाइस अब कैमरा का लेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें मिल जाने वाला है लाइका का 1x1.3 इंच का सेंसर एंड इसमें 16mm का लेंस यूज किया गया है। वीडियो मोड मिल जाएगा, वीडियो मोड के अंदर तो ये एक्शन मोड है। जैसे ही मैं एक्शन मोड को स्विच करता हूँ अल्ट्रा मोड आता है, फिर एक डी रैप मोड है। इसमें आप AI की मदद से कुछ भी सीन्स चेंज कर सकते हो एंड एक आता है हॉरिजॉन्टल मोड। तो इसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मोड बहुत ही अच्छा है, मतलब इससे आप किसी भी एंगल तक का शॉट्स लोगे, आपका हॉरिजॉन लॉक रहेगा, कैमरा किसी भी एंगल में घूमता रहे। व्लॉगिंग के पर्पस के लिए बहुत सही क्वालिटी का इमेज आ रहा है एंड इसमें एक जूम मोड भी है। जूम करते साथ ही देखो कुछ ज्यादा ही जूम हो जाता है, लेकिन ठीक है वो हम कहीं कहीं यूज कर सकते हैं। एंड जूम आउट आप रिकॉर्ड करते साथ भी चेंज कर सकते हो। ये फीचर मेरे को ज्यादा बेटर लगा एंड ये हमेशा अपना फेस ट्रैक करते रहता है। इसमें अगर रेजोल्यूशंस का बात करें तो इसमें आपको 8K 4K 2.7K एंड 1080p का मिल जाएगा ऑप्शन एंड स्टेबिलाईजेशन का स्टैंडर्ड स्टेबिलाईजेशन का ऑप्शन रहता है, ऑफ भी कर सकते हो आप। स्क्रीन में टच करते साथ जैसे ही आप स्क्रोल करते हो तो आपको प्योर वीडियो मोड मिलता है। प्योर वीडियो मोड का जो फीचर है लो लाइट एंगल पे भी बहुत सही तरीके का फुटेज मिलेगा। एक बार मैं आपको फुटेज लेके दिखा देता हूँ। प्योर मोड के बाद मिलता है आपको फ्री फ्रेम वीडियो मोड। इसमें आपको सेम एक वीडियो में आपको दो वीडियो का फॉर्मेट मिल जाएगा, मतलब 16:9, 9:16 एंड 1:1 का भी रेशियो अब इसमें एप्लीकेबल कर दिया है कंपनी ने। इसमें ग्रिड का भी ऑप्शन दे दिया है तो प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए भी बहुत सही रहने वाला है। एंड एक है टाइम शिफ्ट मोड, टाइम शिफ्ट मोड भी एक बार आपको हम चेक करा देंगे। फिर आपको मिलने वाला है स्लो मोशन, तो चलो स्लो मोशन में एक बार आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। अब आपको दिखाते हैं स्टार लैप्स मोड। स्टार लैप्स में बहुत दिक्कत है क्योंकि ये नाइट के सिवा काम नहीं करता है, तो मैं कोशिश करता नाइट का लेने का, लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ कोलकाता में पॉल्यूशन अभी है तो उसकी वजह से स्टार्स दिखेगा नहीं। अब आते हैं फोटो मोड में। फोटो मोड में आपको बर्स्ट फोटो मोड मिल जाएगा। बर्स्ट फोटो मोड में आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का। टाइमर्स आपको 3 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक मिल जाएगा। फोटो मोड में और एक मोड मिल जाएगा आपको, वो है इंटरवल मोड। इसका आपको फीचर्स दिखा देते हैं। इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा आपको। इसमें इंटरवल्स रहता है कि 5 सेकंड या 10 सेकंड, जैसे आप सोलो फोटोग्राफर हो। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आप फोटो क्लिक कर सकते हो, कुछ इस तरह का रहने वाला है कि आपको इजीली 10 सेकंड्स के बाद फोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब फोटो मोड में आपको और एक मोड मिलने वाला है, वो है HDR फोटो मोड। 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है एंड प्योर शॉट फॉर्मेट रहने वाला है। तो जैसे कि मैं एक बार क्लिक करके आपको एक फीचर दिखा देता हूँ इसका, मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन। इसमें फॉर्मेट JPG, प्योर शॉट रॉ, मतलब आप रॉ में भी शूट कर सकते हो, JPG पे भी शूट कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ भी सीन चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं बात करते करते कुछ भी सीन चेंज हो जा रहा है, AI की मदद से कर सकते हो। 2.4 इंच का फ्लिप स्क्रीन मिल जाने वाला है। जैसे कि देखो मैं आपको स्क्रीन चेंज करके दिखा रहा हूँ, आप किसी भी एंगल पे जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो एंड इससे
एंड इस मोड में करने से मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि कैसा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब अगर मैं फ्रंट से व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो कैसा वीडियो आ रहा है पूरा चेक कर सकता हूँ। एंड इसमें जेस्चर कंट्रोल है, जैसे रिकॉर्ड करना है तो मुझे ऐसे हाई करना है, टेक अ फोटो, वॉइस कंट्रोल भी है इसमें। एंड ये 10 मीटर तक वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी है, बाकी जो वाटरप्रूफ कवर आता है उसे आप यूज करके ज्यादा डेप्थ तक भी ले जा सकते हो। सो गाइस, फाइनली मैं आपको शो कर देता हूँ, मेरे पास टोटल में 3 कैमरा है, एक इंस्टा 360X प्रो, एक GoPro 10 एंड एक इंस्टा 360RS 1 ट्विन एडिशन। टोटल मैं 3 कैमरा यूज करता हूँ। Insta360 का व्लॉग मैंने आपको दिखाया, कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट करके। आपको मैंने कोशिश किया, इतना सुंदर जगह है अपने कोलकाता में, वो है विक्टोरिया मेमोरियल। मैंने यहाँ पे व्लॉग सोचा था कि आधा व्लॉग यहाँ शूट करूँगा एंड अनबॉक्सिंग ऑब्वियसली मेरे को घर पे ही करना पड़ेगा, तो मैंने घर पे थोड़ा बहुत किया एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे आके शूट किया। तो जितना हो सका मैंने आपको कोशिश किया कैमरा के बारे में फीचर्स बताना। एंड वंस अगेन थैंक्स टू मिस्टर आसिक असीम सर, उन्होंने मुझे गिव अवे पे दिया, मतलब लकीली मैं जीता हूँ लेकिन फिर भी थैंक यू तो बनता है उनको, क्योंकि बहुत ज़रूरत था मुझे कैमरा का। आप लोग बोलोगे कि आपके पास 3 कैमरा क्या ज़रूरत था, लेकिन बोलते हैं ना कि जितना भी कैमरा आ जाए ज़रूरत तो पड़ता ही है, तो कुछ इस तरह का सीन रहता है। व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर से करो, क्योंकि तो दोबारा कोई अच्छा व्लॉग देखना है और इसका व्लॉग देखना है, इसका कंटेंट देखना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तब तक के लिए राइड हार्ड, लिव फ्री, बाय बाय गाइस।